नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर मामला पेचीदा होते जा रहा है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में भी राजद डोमिनेंट की तरह काम कर रहा है और सभी अन्य घटक दल रेसेसिव फैक्टर की तरह दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव सभी को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में मांझी ने जिस तरह से हाथ पैर मारा, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें इग्नोर कर दिया तो वो महागठबंधन से आउट हो गए और सदा के लिए महागठबंधन को गुड बाय कह दिया। लेकिन अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी इस कड़ी में आगे आते दिख रहे हैं। मुकेश सहनी ने दम भरा और ये कह दिया कि 25 सीटें तो हमें चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ये मानने को तैयार नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इन दोनों के बीच मुकेश सहनी फंसते जा रहे हैं। मुकेश सहनी 25 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको 10 सीटों पर ही मामला ठंडा करना होगा। महागठबंधन में महत्व नहीं मिलने के चलते पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जदयू के करीब चले गए। उनके साथ महागठबंधन में रहे विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी मझधार में फंसते नजर आ रहे हैं। उन्हें राजद कांग्रेस से उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिल रही। मुकेश सहनी अधिक से अधिक और कम से कम कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पार्टी की मान्यता के लिए 10% सीटों पर लड़ने की अनिवार्यता है। वे इसी का हवाला लेकर न्यूनतम 25 सीटों की मांग कर रहे हैं। महागठबंधन से उन्हें इतनी सीटें मिलने नहीं जा रही। खबर है कि महागठबंधन में वीआईपी के लिए अधिकतम 10 सीटें ही रखी गई है। इनमें से कुछ सीटों पर उम्मीदवार भी दिए जाएंगे। सहनी ने एनडीए के प्रति कभी इस स्तर की कटुता का प्रदर्शन नहीं किया, जिसे याद कर उन्हें उससे जोड़ने में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिर वहां भी उन्हें सीटों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा। एनडीए में पहले से ही सीटों के लिए मारामारी चल रही है। एक विकल्प सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का है। सहनी के लिए इस विकल्प का चयन दुस्साहस ही माना जाएगा, क्योंकि संगठन के स्तर पर विकासशील पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि उसे सभी 243 विधानसभा सीटों पर सक्षम उम्मीदवार मिल पाए। वैसे ये क्षमता राज्य के किसी राजनीतिक दल में ही नहीं। पिछले साल में मई महीने में लोकसभा का चुनाव हुआ था, वीआईपी को 3 सीटें मिली थी। एक सीट पर वो खुद लड़े, 2 सीटों के लिए उन्हें बाहर से उम्मीदवार लेना पड़ा था। उनमें से एक उम्मीदवार दूसरे दल में चले गए, दूसरे की राजनीतिक सक्रियता का पता नहीं चल रहा है। सहनी की सीमा से महागठबंधन और एनडीए के दूसरे दल भी परिचित है, लिहाजा दोनों खेमे में उनके लिए बहुत अधिक सीटों की गुंजाइश नहीं है। असल में महागठबंधन के दोनों बड़े दल राजद और कांग्रेस में इस बात पर अंदरूनी सहमति बनी हुई है कि जीत की अधिकतम संभावना वाले उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाएगा। ये विकासशील इंसान पार्टी और रालोसपा की जमीनी ताकत का भी आकलन कर रहे हैं। इस लिहाज से वीआईपी की तुलना में रालोसपा का भाव कुछ ज्यादा अधिक है। तो महागठबंधन की दो बड़ी पार्टी राजद और कांग्रेस के बीच अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी फंस गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी आगे की रणनीति क्या कुछ होती। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।